नमस्ते दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं बाघ परियोजना। बाघ परियोजना के बारे में बताएंगे। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत में राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। वर्तमान में भारत में 50 बाघ परियोजना है। वर्तमान में भारत में 50 बाघ परियोजना है। वर्तमान में भारत में 50 बाघ परियोजना है। 49वीं बाघ परियोजना ओरांग असम में है, जबकि 2018 में घोषित 50वीं बाघ परियोजना, जबकि 2018 में घोषित 50वीं 50 बाघ परियोजना कामलांग। क्या नाम है इसका? कामलांग बाघ परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भारत की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन सागर बाघ परियोजना है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए कि भारत की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बाघ परियोजना बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन सागर बाघ परियोजना है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे छोटी बाघ परियोजना क्षेत्रफल के आधार पर पेंच है, जो एमपी प्लस महाराष्ट्र में स्थित है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना पूछा जाए कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना नामदफा है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। जबकि कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।